हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पिनाकल कैरियर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। बात करूंगा सबसे बड़ी खबर की कि पटवारी का एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला था फर्स्ट शिफ्ट में, वो एग्जाम डिले हो गया है। ये खबर आ रही है हमारे इंदौर के सेंटर से, इंदौर के एग्जाम सेंटर से, जो हम लोग रिव्यू ले रहे हैं अभी तक। आगे स्टूडेंट से जो खबर आ रही है कि जो पहली शिफ्ट में जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला था, पहली शिफ्ट में एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है। सारे के सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो एग्जाम सेंटर्स के बाहर वेट कर रहे हैं एग्जाम चालू होने का। लेकिन इस एग्जाम को चालू ये कितनी देर में होगा, कब एग्जाम चालू होगा, इस चीज की भी कोई खबर नहीं है। ओवरऑल खबर ये है कि बेसिकली जो सर्वर वाला इशू आ रहा था, तो सर्वर के कारण, सर्वर डाउन होने के कारण पूरे के पूरे जो इंदौर सेंटर्स, बेसिकली अभी इंदौर सेंटर की खबर हमारे पास है। कहा जा रहा है कि बाकी एमपी सेंटर्स में भी सिमिलर कंडीशन होगी, लेकिन एटलीस्ट इंदौर में तो अभी एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया। फर्स्ट शिफ्ट का जो पटवारी में एग्जाम होने वाला था, जैसे कि आज आपको पता होगा कि पटवारी की फर्स्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट है और फर्स्ट शिफ्ट में आज एग्जाम होने वाला था, लेकिन आज एग्जाम नहीं हो पा रहा है अभी तक। हो सकता है थोड़ी देर में एग्जाम चालू हो जाए, हो सकता है कि इनका एग्जाम डिले होकर लास्ट में भी जाए, लेकिन अभी तक राइट नाउ जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है। आगे भी इसमें जो भी अपडेट्स आती रहेगी वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट में ही ये प्रॉब्लम आई हो, सेकंड शिफ्ट से सारी की सारी चीजें नॉर्मल हो जाए। तो कोई भी अपने शेड्यूल में चेंजेस करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप प्रॉपरली एग्जाम सेंटर पे जाइए और वहां पे जो भी हो रहा है आप उस हिसाब से चीजों को डील करिए। बट द राइट नाउ द थिंग इज कि पहली शिफ्ट में पहला एग्जाम जो होने वाला था इंदौर सेंटर पे, से एटलीस्ट ये खबर आ रही है कि इंदौर सेंटर में पहली, इंदौर की दोनों सेंटर्स जो है वहां पर पहली शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया है। और इसके बाद जो एग्जाम डिले हो रहा है, अब पता नहीं है कितनी देर तक एग्जाम डिले होता है। इसके अलावा एक और चीज कि आपसे मैं यही कहूंगा कि जो फालतू जितनी भी चीजें हो रही हैं, इस चीज से अपनी प्रिपरेशन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने देना, क्योंकि अब फिर से बहुत सारी के रूमर्स आएंगे कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें। इन चीजों से अपनी पढ़ाई में कोई इम्पैक्ट नहीं आने देना और जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो उसी हिसाब से आप तैयारी कंटिन्यू रखना। एग्जाम हो सकता है कि अभी जो फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्जाम है ये बाद में कंडक्ट हो, लेकिन आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। जिस वे में आप तैयारी कर रहे हो उसी वे में आप तैयारी करते रहो। जैसे इसमें बारे में कोई और अपडेट मिलती है मैं आपको तुरंत के तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। इसके अलावा अगर आपने पटवारी का अभी तक मटेरियल नहीं खरीदा है तो 99 रुपीज में आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। इसके अलावा 129 रुपीज में आप हमारा ऑफलाइन टेस्ट का मटेरियल परचेज कर सकते हो, जिसमें 10 ऑफलाइन मॉक टेस्ट जो कि हिंदी में रहेंगे। इसके अलावा सारी की सारी असाइनमेंट शीट्स रहेंगी। और 149 में आप ऑनलाइन प्लस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मटेरियल का कॉम्बो परचेज कर सकते हो। एक और चीज के जो एग्जाम का जो शिफ्ट रहता है, ओवरऑल इतने बड़े लेवल पे एग्जाम कंडक्ट होने वाला था, अगर देखा जाए तो 11 से 12 लाख लोगों ने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है। तो अगर पहली ही शिफ्ट में इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है तो मतलब सच में व्यापम की तैयारियों में कहीं ना कहीं एक दिक्कत नजर आ रही है कि ओवरऑल इतने बड़े पैमाने पर एग्जाम कैसे कंडक्ट हो पाएगा। बट ये सारी आगे की चीजें हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो स्टे ट्यून, टेक केयर और मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में। जैसे ही कोई अपडेट आती है आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू।